तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जो वाईफाई का जो साइन है यहाँ पर चेंज हो चुका है। पहले आपका जैसा चैन जैसे दिखता था उसे आप चेंज वो अब चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं iOS 14.5.1 में अपडेट कर रहा हूँ और इजीली हो गया अपडेट फटाक से। बहुत ही सिंपल ट्रिक है गाइस, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल। और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करते हैं, लेकिन ये सबसे कुछ नहीं होगा। मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, मैंने यही चीज़ नोटिस की। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो अपडेट की प्रॉब्लम है आपको तभी आती होगी जब आप किसी फ़ोन से अपडेट कर रहे होंगे अपने आईफोन को, और अगर आप किसी वाईफाई पे करते हैं तो भी उस पर ट्रिक शायद काम कर जाए। लेकिन यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, अगर आप किसी फ़ोन के हॉटस्पॉट से अपडेट करते हैं आईफोन्स का, और वो जो एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग वाला आता है और वहाँ पर जो चैन बना रहता है जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया, उसे आप बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आप हॉटस्पॉट वाले सेटिंग्स पर आ जाइए अपने। जैसे मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं हॉटस्पॉट वाले सेटिंग पर आ गया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टेबल हॉटस्पॉट लिखा है। यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, यहाँ पर वन डिवाइस कनेक्टेड देखते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मेरा आईफोन कनेक्टेड है अभी, और अगर मैं इसे बैक जाता हूँ यहाँ पर सेटअप, यहाँ पर आपको सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पासवर्ड वगैरह वाला आ गया। यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन और सेलेक्ट ईपी बैंड, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में कुछ काम नहीं करना है। यहाँ पर डिवाइस आइडेंटिफिकेशन मेरी पहले पोर्टेबल हॉटस्पॉट पे सेट थी, यहाँ पर मैंने इसे डिफ़ॉल्ट पे सेट किया, और सेलेक्ट ईपी बैंड ये मेरी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पे सेट थी। यहाँ पर आपको जो है इसे 5 गीगाहर्ट्ज़ पे सेट करना है, क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में आपकी जो पूरी वाईफाई की पावर होती है वो आप यूज़ नहीं कर सकते जब आप हॉटस्पॉट शेयर करते हैं, और 5.0 गीगाहर्ट्ज़ बैंड जो होती है उस पर आप पूरा अपना वाईफाई का जो जितनी स्पीड होती है नॉर्मल स्पीड, मतलब जितनी कैपेसिटी होती है स्पीड देने की, वो आप पूरी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने जैसे इसे चेंज किया फटाक से, आप भी इसे चेंज कर लीजिए। और उसके बाद जो आपका वाईफाई जैसे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर जो पहले चैन बना आता था एस्टिमेटिंग टाइम रिमेनिंग बस लिखा आता था, अपडेट नहीं होता था, वो चेंज हो गया और वहाँ पर वाईफाई का सिंबल आने लग गया। तो यही है गाइस, 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले इसमें सेट करिए, और डिवाइस आइडेंटिफिकेशन को भी आप पोर्टेबल से हटा के डिफ़ॉल्ट पे सेट कर दीजिए। ऐसे करने से आपका बिल्कुल अपडेट हो जाएगा, मेरा भी हो रहा है, आपकी भी वर्क करेगी। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि ये वीडियो ने आपकी हेल्प की कि नहीं, और मुझे कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, वर्क कर रही है आपकी में, तो लाइक तो करना बनता है। यही थी गाइस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।